हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बटन रोज़ प्लांट है मेरे पास, जो ये प्लांट मैंने तकरीबन 6 महीने पहले ग्रो किया था। नर्सरी से मैं प्लांट लाया था, लेकिन उसके बाद इसमें फ्लावर नहीं आ रहे थे। तो फ्लावर ना आने के कुछ रीज़न्स और उसे क्योर कैसे करें वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो नॉर्मली ये प्लांट जो रोज़ होता है, जैसे कि ये अभी बड़ा रोज़ है, ये बड़ी साइज़ का होता है, और ये जो बटन रोज़ होता है वो नॉर्मली इतनी साइज़ का फ्लावर होता है उसका। तो अभी इसकी फ्लावरिंग सीज़न आने वाली है, ये समर सीज़न में फ्लावर करता है, और इसकी जो नॉर्मल सारी फ्लावरिंग आती है वो मोस्टली समर सीज़न में आती है, और बाकी के सीज़न में कम फ्लावरिंग आती है। तो सबसे पहले मैंने इसे छोटे पॉट में लगाया था, लेकिन उसमें फ्लावरिंग ना आने की वजह से मैंने इसे ट्रांसप्लांट किया ये बड़े पॉट में। तो अभी इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो गया है। पहले बहुत छोटा प्लांट था, अभी ये काफ़ी बड़ा हो गया है, और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बर्ड्स दिखने लगे। एक साथ 3 बर्ड्स दिख रहे हैं अभी, 1, 2 और 3, और ये काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। और इसकी बेस्ट फर्टिलाइजेशन सीज़न जो है वो अभी की चल रही है, मतलब कि फेब्रुआरी एंडिंग एंड मार्च स्टार्टिंग जो सीज़न होती है वो सारे प्लांट्स के लिए बेस्ट सीज़न होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये समर, अगर ये समर सीज़न में ग्रो कर फ्लावर करेगा तो इसे उसके पहले अगर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल जाए उसको चाहिए वो, तो काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग दे सकता है। पर अब ये समर सीज़न का टाइम है, तो इसको पानी, समर अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गए। नॉर्मली इंडिया में सारे रीजन्स में समर स्टार्ट होने वाले, तो इसको अभी से, अब अगर आप 2 दिन में एक बार पानी देते तो अब दिन में एक बार देने लगे, और आगे जाके इसे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसे पानी देने की ज़रूरत है या नहीं है वो हम कैसे चेक करें, कि हमें अपनी एक फिंगर को ऐसे मिट्टी के अंदर डिप करना है। अगर मिट्टी चिपकती है तो मॉइस्चर अच्छे से है, लेकिन अगर ज़्यादा नहीं चिपकती, कम चिपकती है, तो इसे अब ज़रूरत है पानी की। वे अब आप रेगुलर वाटरिंग देंगे तो वाटर न देने से भी काफ़ी ज़्यादा इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो रेगुलर वाटरिंग करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जबकि फ्लावरिंग सीजन से थोड़े टाइम पहले का जो टाइम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम होता है हर एक प्लांट्स के लिए। तो चाहिए तो अभी इसे फर्टिलाइज़र में हम क्या दे सकते हैं, फ्लावरिंग फ्लावर के लिए अलग से फर्टिलाइज़र आता है, हम वो दे सकते हैं। काउडंग केक दे सकते हैं, फिर मस्टर्ड केक दे सकते हैं हम, फिर बफेलो डंग केक दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। नॉर्मली जो सारे फर्टिलाइज़र होते हैं वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट केमिकल फर्टिलाइज़र। जब तक केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ना करना पड़े आपके प्लांट्स में, उतना ही अच्छा होगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी नई ब्रांच एकदम नीचे से ग्रो हो रही है मिट्टी में से, तो ये ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी कर रहा है। इसके फ्लावर होते हैं लेकिन विंटर और रेनी सीज़न में काफ़ी कम होते हैं, लेकिन समर सीज़न में इसका फ्लावरिंग बहुत अच्छी देता है। ये मिनी रोज़ भी और बड़ा रोज़ प्लांट भी आप देख सकते हैं। प्रेजेंटली इस बड़े रोज़ प्लांट पर 1, 2 और 3, 4 एंड 5, यहाँ पर 3, ये ऐसे 5 बर्ड्स है, और ये 6, 7 बर्ड्स प्रेजेंटली इस प्लांट पर 6 से 7 बर्ड्स है यहाँ पर। तो ये रेगुलर फर्टिलाइजेशन और रेगुलर वाटरिंग की वजह से ही हुआ है। रेगुलर वाटरिंग भी इम्पोर्टेंट है और रेगुलर फर्टिलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।